हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटीएच के दुनिया में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में जो सबस्ट्रैटम थीम्स है उसको अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका जो थीम्स है वो वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग अनइंस्टॉल करने का मतलब ये होता है कि आप तीन चार सबस्ट्रैटम थीम्स को आप यूज़ किए हैं, जैसे मैं भी तीन चार यूज कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप तीन चार सबस्ट्रैटम थीम्स को आप यूज करते हैं और यूज करने के बाद आपका बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है, आपका रैम का स्पेस काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं सबस्ट्रैटम थीम्स को अनइंस्टॉल कर दूं और अनइंस्टॉल करने के बाद भी मेरा थीम्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो काम करे। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सबस्ट्रैटम थीम्स को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका जो थीम्स है वो थीम काम करेगा आपके डिवाइस में। तो देखिए, मैंने भी तीन चार यूज करा है अपने डिवाइस में बिग बुल्लू, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जे डार्क आई सबस्ट्रैटम थीम्स, उसके बाद मैकपाई क्लियर, ठीक है, मैकपाई क्लियर के बाद उसके बाद सबस्ट्रैटम, तो ये मैंने यूज करा है, और उसके बाद एस वाइट ब्लैक। आपका जो ये बैटरी है तो बैटरी को भी ये बहुत कंज्यूम करता है। उसके बाद आपका जो मेमोरी है, मेमोरी बहुत खाता है। तो आप चाहते हैं कि इसको अनइंस्टॉल करने के बाद भी मेरा सबस्ट्रैटम थीम्स जो है वो काम करे, तो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। देखिए, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है क्लीन मास्टर और दूसरा है सिक्योरिटी मास्टर, ठीक है। तो मैं पहले डाउनलोड कर लिया हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो क्लीन मास्टर को मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद इसको स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है, स्टार्ट इसको कर लेना है, ठीक है। और जो आपका फ़ोन है, जो जंक है, जंक फाइल्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपल में जंक फाइल पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये कुछ परमिशन भी मांगेगा, देखिए ये परमिशन मांग रहा है, अब ये स्कैनिंग करने लगा। ये स्कैनिंग करने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। स्कैनिंग कर लिया, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से क्लीन पे क्लिक कर देना है, लेकिन क्लीन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके मेमोरी में कुछ आप एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रखे हैं, तो वो भी आपका क्लीन हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद ना इसको अनचेक कर दीजिए। और उसके बाद क्लीन जंक पे आप क्लिक कर दीजिए सिंपली। इससे क्या होता है कि अगर आप सबस्ट्रैटम थीम्स को अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद और अप्लाई करने के बाद वो ना एक अलग बैकअप फाइल बना देता है उसका, जो आपका पहले वाला है, ठीक है। तो जब भी आप इसको अनइंस्टॉल करते हैं, तो अनइंस्टॉल करने के बाद पता क्या होता है, वो जो बैकअप फाइल बनाता है, तो अनइंस्टॉल जब होता है ना, तो वो बैकअप फाइल को दोबारा अप्लाई कर देता है, दोबारा जैसा आपका पहले था वैसे ही हो जाता है। तो आप इससे अगर आप क्लीन कर देते हैं जंक फाइल को, तो क्लीन करने के बाद जो यूजलेस जो फाइल होती है, यूजलेस फाइल को ये क्या करता है कि डिलीट कर देता है। डिलीट करने के बाद जब भी आप अनइंस्टॉल करते हैं क्लीन मास्टर से, सिक्योरिटी मास्टर से, तो वो यूजलेस फाइल जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता। जो आप अप्लाई कर दे सबस्ट्रैटम थीम, तो वही रह पाता है, ठीक है, वही रहता है। तो सिंपली आपको बूस्ट पे भी क्लिक कर देना है और बूस्टिंग कर लेना है, ठीक है। ये आपका बूस्टिंग हो गया, क्लीन नाउ, ये बोलेगा परमिशन देने के लिए, मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, ये हो गया, सारे को कर लेना है, ठीक है। एक बार और जंक फाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं, सेवर पर भी क्लिक करते हैं, सारा कर लेना है। इससे क्या होता है कि बैटरी सेवर वाला भी जो बैकग्राउंड में जो चलता है वो सारे को हटा देता है,
और रियल में ये वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वर्क नहीं करता, रियल में वर्क करता है, इसको हमेशा नहीं रखना चाहिए। अब इसके बाद एक बार हम सिक्योरिटी मास्टर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप फाइल्स में जाइए, और फाइल्स में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका जो भी इम्पैटी फाइल है, तो इम्पैटी फाइल को आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका इम्पैटी फाइल है उसको डिलीट कर लीजिए। एंड्रॉयड को सबसे पहले डिलीट करिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे जो आप रखे हैं उसको आप रन दीजिए। बाकी का जो आपका इम्पैटी फाइल है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप डिलीट कर लीजिए। तो मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि जो ये बैकअप बनाता है सबस्ट्रैटम थीम्स, वो बैकअप हमेशा के लिए हट जाता है, और आपके मोबाइल में सबस्ट्रैटम थीम्स जो आप अप्लाई किए हैं वो वर्क करता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मास्टर को हम ओपन कर लेते हैं। सिंपली सिक्योरिटी मास्टर पे क्लिक करते हैं। जंक फाइल है, जंक फाइल पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जंक फाइल है, देखिए यहाँ से भी जंक फाइल को हम हटा लेते हैं। और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हमेशा क्लिक करना है, मत भूलिएगा कि जंक पे क्लिक करना है, ये खुद ही क्लीन कर देगा। देखिए क्लीन हो गया। अनइंस्टॉल करने के बाद भी अब आपका जो सबस्ट्रैटम थीम्स है वो काम करेगा। अब चलते हैं सबस्ट्रैटम थीम्स में। अगर आपका ओपन होगा सबस्ट्रैटम थीम्स, तो पहले उसको आप क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले सेटिंग में सारे को अनइंस्टॉल करने के लिए। ऐप ऐप में जाने के बाद देखिए बिग बुल्लू, इसको भी मैं यूज करा हूँ, तो इसको भी अब अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप सबस्ट्रैटम थीम्स को अनइंस्टॉल करिएगा। जब सबस्ट्रैटम थीम्स अनइंस्टॉल हो जाए, उसके बाद जो उसका लेयर है, जो और भी थीम्स है, मेन थीम्स को पहले अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद उसके लेयर को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं जे डार्क को अनइंस्टॉल करके देख लेता हूँ। यह है जे डार्क, अनइंस्टॉल हो गया ये। उसके बाद मैकपाई क्लियर को अनइंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ कि अप्लाई रहता है या नहीं रहता है। अनइंस्टॉल इसको भी कर दिया मैंने। सबसे पहले जो मेन होता है उसको आप अनइंस्टॉल करिएगा, ठीक है। स्वाइप ब्लैक को अनइंस्टॉल करता हूँ, स्वाइप ब्लैक को भी अनइंस्टॉल कर दिया, ये भी अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी सबस्ट्रैटम थीम्स नहीं है। मैं आपको दिखा दूं तो भी ये काम कर रहा है, नहीं तो ये देखिए तो भी ये सारे के सारे काम कर रहा है। देखिए ये एस वाइट ब्लैक, ये भी काम कर रहा है। सब सब अभी काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी ऐसा सबस्ट्रैटम थीम्स चाहिए जो पैड हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर और आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप पैड सबस्ट्रैटम थीम्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। कर दीजिए, आपको जैसा वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए।